डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, एरोमेटिक यौगिक 11th साइंस के अंदर चल रहा था, उसमें आपने एरोमेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक की शर्तें पढ़ ली थी। उसी में समचक्रीय यौगिक जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका था। आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, देखो। विषम चक्रीय यौगिक यानी कि विषम चक्रीय यौगिक जो होते हैं, होते क्या हैं कि ऐसे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य कोई विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं वो विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा, वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य विषम परमाणु, अन्य विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के यौगिकों को, इस प्रकार के यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है, जैसे देखो ये कार चेन है चक्रीय, यहां पे मैंने एस जोड़ दिया, कार्बन 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 और कार्बन, विषम वलय के अंदर इन कार्बन परमाणु के अलावा विषम परमाणु के रूप में कौन जुड़ गया है, यहाँ पे विषम परमाणु यदि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जुड़ गए, तो इस प्रकार का जो यौगिक है वो क्या कहलाता है आपका, विषम चक्रीय यौगिक, जिसका नाम क्या होता है थायोफिल, इसका नाम क्या होता है थायोफिल। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ जाता है NH, इसका नाम होता है पाइरो। देखो यहाँ से कार्बन 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 रिंग के अंदर एक विषम परमाणु के रूप में यहाँ पे कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन, यौगिक कैसे कहलाएगा पाइरो, विषम चक्रीय। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन जुड़ जाए तो यहाँ पे इस यौगिक का नाम होता है फ्यूरिन, ये भी क्या होता है एक विषम चक्रीय यौगिक। इसी प्रकार से यहाँ पे रिंग के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे देखो कार्बन 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 ये कार्बन यहाँ पे रिंग में क्या जुड़े हेटेरो एटम के रूप में विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो ये कैसा यौगिक कहलाएगा विषम चक्रीय यौगिक, जिसका नाम क्या होता है पिरिडीन, जिसका नाम क्या होता है। ये सभी जो यौगिक होते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, सभी क्या होते हैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। इसी प्रकार से एलिफैटिक यौगिक भी हो सकता है विषम चक्रीय, जैसे यहाँ पे CH2 एलिफैटिक यौगिकों में बात की जाए, यहाँ पे एलिफैटिक विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये एथिलीन ऑक्साइड बोला जाता है, एथिलीन ऑक्साइड। इसी प्रकार से यहाँ पे CH यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट। देखो यहाँ पे कार्बन 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 और रिंग के अंदर कौन जुड़ा हुआ है, विषम परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का जो यौगिक है वो क्या कहलाएगा विषम चक्रीय यौगिक। इसी प्रकार से विषम चक्रीय यौगिकों में नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखना चाहूँ, मैं नेक्स्ट CH2OCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये CH2 ये O, इसको बोलते हैं वन पोल डाई ऑक्सीजन। देखो कार्बन 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 के अलावा विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कैसा यौगिक कहलाता है विषम चक्रीय यौगिक, जिसका नाम है वन पोल डाई ऑक्सीजन कहलाता है।
यानी इस प्रकार के जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। तो सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट्स के ऐसे चक्रीय यौगिक जिनकी बल्ले में कार्बन परमाणु के अलावा कोई विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, सल्फर जुड़ जाए, तो इस प्रकार का जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही काफी, थैंक्स।